हेलो वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आलिया भट्ट की ब्रह्मास्त्र मूवी तो आ रही है जो कि सितंबर 9 में रिलीज होगी। तो उससे पहले उन्होंने एक और मूवी का ट्रेलर लॉन्च कर दिया है जो कि OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है नेटफ्लिक्स पर, जिसका नाम है डार्लिंग। तो ये डार्लिंग का ट्रेलर आउट हुआ था आज से 3 दिन पहले यानी कि 25 जुलाई को। तो देखते हैं ट्रेलर कैसा है कैसा है, नहीं फिर करते हैं ट्रेलर के बारे में बात ट्रेलर के साथ। तो इसमें आपको क्या है मिलेंगे डार्लिंग्स में, आपको आलिया भट्ट तो दिखेंगी ऑब्वियसली, वो मेन चेहरा है इस मूवी का। तो उनके साथ आपको मिलेंगी शेफाली शाह, विजय वर्मा और रोशन मैथ्यू। तो बाकी देखते हैं ट्रेलर कैसा नहीं होता है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है हमजा शेख, मैं बदरुन्निसा शेख का शौहर हूँ। मैं अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता हूँ लेकिन मैं उसे छोड़ के जा रहा हूँ। हे डार्लिंग, आलिया भट्ट, यू मेड यू, आई लव यू, प्लीज। बाप रे बाप। नमन काका, हमजा नहीं आए? नहीं। मिसिंग कंप्लेंट फाइल करनी है। कौन मिसिंग है? मेरे हस्बैंड हमजा। कभी से गायब हो? परसों। कल से या परसों से? कल और परसों के बीच में से साहब। ना 2 दिन पहले काम पे गया। कभी कभार ठीक है सर, लेकिन ये रोज तो मत करवाओ, टीसी है। लेकिन वापस ही नहीं आया। काम पर गया, घर पे वापस नहीं आया। क्या बोलते दादू? केस क्लोज है सर, कंफर्म। कॉमेडी, ये कॉमेडी। हमजा, मैं समझाती हूँ। थोड़ी डार्क है। क्या कर रही हो ये सब? ए बच्ची, हाथ खोल सालीन तो जान से जाएगी। किधर जा रहे ली? अरे आगे कुआं पीछे। अबे मतलब कंप्लेन लिखवा दी और घर के अंदर ही उसे बांध बूंद के रखा हुआ है, ऐसा कुछ है क्या मूवी में? पता नहीं है। आई, 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 दारू छुड़वाने की दवा बोली थी ना, चूहे मारने की दवा खाने में डाल दे, जिंदगी भर दारू नहीं पिएगा। करूं हलाल बिछा के जाल, बचेगा कैसे मेरे लाल? मेरे को हमजा को मारने का नहीं है अम्मी, इनके साथ वही करूंगी डिट्टो जो ये मेरे साथ किए। फील्डिंग बहुत हो गई अम्मी, अब बैटिंग चालू। अच्छा तो ये मेरे ख्याल से ना एक डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर मूवी बन रही है जो कि पहले इन्होंने सफ़र किया होगा आलिया भट्ट ने, जो उसमें इसका हमजा की बीवी का रोल निभा रही है। तो डोमेस्टिक वायलेंस का इन्होंने पहले फेस किया, फिर उसके बाद इन्होंने सोचा कि भाई हम अब मेरी बारी है, औरतों का अपमान नहीं सहेगा। तो ऊपर है मूवी में जन्नत अता फरमाया। औरत का अपमान सेहत के लिए हानिकारक है। सुल्फी, अगर तूने हमजा को किडनैप किया है ना तो सांप को सच बता दे। बाप रे खाला, मैंने क्या? आप दोनों सुल्फी। एक्चुअली डार्लिंग्स मूवी जो मुझे जहाँ तक मुझे समझ में आया ट्रेलर देखे तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये डोमेस्टिक वायलेंस पे आधारित मूवी है, जिसपे पहले जो विजय वर्मा है जो हमजा का रोल कर रहे हैं वो आलिया भट्ट पे डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, फिर उसके बाद आलिया भट्ट उसमें रिवेंज देने के लिए उनको किडनैप कर देती है अपने आप से उसके मम्मी के साथ मिलके। और बाकी देखा ही आपने कि क्या करा उसने, मारते हैं उसको, सब कुछ करते हैं, किडनैप करते हैं, पुलिस में कंप्लेन लिखवाते हैं, TTC आता है, वो TC होता है एक्चुअल में। तो ये था यार ट्रेलर डार्लिंग्स का, बाकी देखते हैं मूवी कैसी होती है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी OTT प्लेटफॉर्म 5 अगस्त को, तो ज़रूर देखें और हमें भी बताएं कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। फिलहाल इसके नीचे एक पढ़ते हैं कमेंट्स, क्या क्या कमेंट्स आए हैं। यस, दिस इज वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस कास्ट, वेटिंग पोर्ट्रेयल ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस विद डार्क ह्यूमर एंड सो मच इंट्रीग्यूटिंग मोमेंट्स। सही बात है, देखो मैंने कहा ना जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर ही है, डार्क ह्यूमर के साथ आ रही है मूवी। सी इज कंटिन्यूसली प्रूविंग दैट सी इज नॉट जस्ट अ स्टार किड बाय हर मार्वलेस परफॉर्मेंस। स्टार किड तो है यार, उसका ठप्पा तो लगाया, बिना उसके बिना तो आना मुश्किल था।
Alia is just getting better and better with every role she is doing. She is just unstoppable. देखो आलिया की एक्टिंग की बात करूँ तो आलिया ने अच्छी एक्टिंग करी है हर मूवी में, जहाँ जितने में भी करी है, बाकी तो होता ही रहता है चीज़ें. आलिया भट्ट हैज कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ द ईयर राजीव एंड देन गंगूबाई. सी प्लेड एवरी कैरेक्टर सो वेल. हाँ यार, स्टूडेंट ऑफ द ईयर उनकी फर्स्ट मूवी थी, उसमें मैं बेशक कहूँगा कि उन्होंने एक्टिंग काफ़ी सही करी थी. बीइंग अ स्टार की वो बात अलग है, पर एक्टिंग परफॉर्मेंस तो दिखती है तभी आगे चलती हैं. सिद्धार्थ मल्होत्रा भी थे उस मूवी में, वो क्यों नहीं चले पता नहीं, क्योंकि वो स्टार के इतने थे शायद इसलिए. दिस लुक्स अमेजिंग एंड अगेन आलिया भट्ट इज किलिंग इट. तो इसमें बेसिकली आलिया भट्ट को मेन चेहरा दिखाया गया है और उनके साथ आपको विजय वर्मा दिखने को मिलेंगे, हम जगह रोल निभा रहे हैं. तो यार ये थे कुछ कमेंट्स डार्लिंग्स मूवी के नीचे, डार्लिंग मूवी के ट्रेलर के नीचे. तो आपको ये ट्रेलर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.